वेलकम स्टूडेंट, आज आपके सामने फिर से हम फीस के न्यूमेरिकल को लेकर आए हैं। वैसे भी मैं यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वीडियोज आपके लिए लेकर के आता हूँ, जो कि कोई भी चैनल वाला लेकर के नहीं आता है। बट आप सब लोग रिस्पॉन्स ही नहीं देते हैं कि कैसा लग रहा है कैसा नहीं। यहाँ पर इंग्लिश, मैथ्स और साथ ही साथ साइंस की वो सारे वीडियोज आपको हम लेकर आते हैं जो कोई भी नहीं देता है। एकदम इजी तरीके से मैं सारी चीजों को समझाता हूँ। और आज आपके सामने फिर से है फिजिक्स का क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है वैद्युतावेश तथा क्षेत्र। इससे जुड़ा हुआ आंकिक प्रश्न, जो कि हम आंकिक प्रश्न लेकर के आए हैं। एक दो तीन आंकिक प्रश्न आपके सामने। अगर आपको ये क्वेश्चन आंकिक प्रश्न का अगर ठीक लगे तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, नहीं ठीक लगे तो आप यहीं से स्किप कर सकते हैं। इन तीनों क्वेश्चन को हम आपके सामने लगाएंगे और कैसे इसमें काटना होता है वो सारे देखिए। यहाँ पर मैं काटने वाले शॉर्ट वीडियोज या बड़े वीडियोज में डाला हूँ, उसको मैं अगर वहां पर मैं थंबनेल लिख देता हूँ नीट के लिए है, तो बोलते हैं सर ये नीट में कहाँ आता है सर, आप बताइए नीट में आता क्या है। आप सब लिख देखे हैं नीट में क्या आता है। हम कह रहे हैं सवाल आती है तो उसमें जो कैलकुलेशंस होते हैं, जो सारे रूल्स होते हैं, वो मैथ्स से जुड़े हुए कैलकुलेशन, वो सारे रूल्स वही होते हैं। ऐसा थोड़ी ये दूसरा होता है। बहुत सारे लोग कमेंट कर देते हैं ऐसा नहीं होता। आप नीट का एग्जाम का पेपर उठा के देखिए ना, उसमें का क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेशन तो वही होगा, क्या दूसरा हो जाएगा क्या, बोलते हैं पता नहीं कैसे। चलिए ठीक है, यहाँ पर हम समझाने वाले हैं आपके लिए क्वेश्चन। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पहले पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर है, आप देख रहे हैं कि 1 μc मतलब माइक्रान के लिए 1 μc के 2 बराबर एक विपरीत प्रकार के आवेश बोला जा रहा है। 2 बराबर एवं विपरीत बोला जा रहा है कि 2 बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश हैं, मतलब के बराबर है और विपरीत प्रकार के आवेश हैं, और आवेश जो है 2 मिमी दूर रखे हैं। यहाँ क्वेश्चन पर इस पर हमें नजर डालना है, इस बात पर ये इतना म्यूसी है, ये इतना मिमी है। म्यूसी और मिमी में हमें सारी चीजें, इसको कन्वर्जन भी पता होना चाहिए, कभी कभी बदलने के लिए आता है तो बदलना। कन्वर्जन के वीडियो हम बहुत डाले हुए हैं, मिमी सेमी यू माइक्रोन में इधर उधर, तो सारी चीजों में चेंज करना, बहुत सारी वीडियो लेकर फिर भी आपके सामने आ जाएगी वीडियो, जल्दी फिर से आ जाएगी कन्वर्जन की, तो जरूर देख लेना। उसको दूर रखे हैं और इस वैद्युत क्षेत्र का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर हमें निकालना है द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो सबसे पहले जो जो चीजें दी गई हैं उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो है 2 बराबर के क्या है, आवेश है, तो हमें क्या करना है, पहले हम इसको हम आवेश के रूप में इसको हम ले देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला सवाल लगाते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, आवेश। आवेश का मतलब हम क्यू बोल सकते हैं, जो हमारा इसमें आवेश है कितना है उसको हम लेते हैं। लिखा है हमारा 1 0 μc, ये लिखा हुआ है ना। ठीक, अब इसको हमें क्या करना है, इसको हमें कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट, वन वन का वन ही रहेगा, वन का वन ही रहेगा, जीरो ये दशमलव बाद जीरो लगा, इसका मतलब कुछ भी नहीं है, वैसे लिखा जाता है। तो वन है, म्यू का मतलब हमें लिखना है कि म्यू जो ये माइक्रान है इसका मान हमारा कितना होता है, तो 10^-6 होता है, 10^-6 होता है, ये कितना होता है, 10^-6। और जो सी है इसको हम सी को ऐसे ही लिखे रहेंगे, इसको ऐसे ही लिखे रहेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर इतना मिमी दूर पर रखा है, मतलब इसकी दूरी है, बीच की लंबाई इसकी दूरी कितनी है, इसको हम एल लिख देते हैं, दूरी हमारी कितनी है उसको लिखते हैं, 2.0 μm है, मिमी। ठीक है, अब मिमी को हमें किस में बदलना है, हमें मी में बदलना है, तो देखिए इसको हमें 2 लिखना है और उसके बाद 10^ हमें -3 लिखना है। मी तक जाने के लिए मी में हमें क्या करना है, 10^-3, क्योंकि एम से हम एम एम से हम एम में जा रहे हैं, किस में जा रहे हैं, एम में जा रहे हैं, तो 1000 का क्या होगा, भाग होगा। 1000 का जब भाग होगा तो 1000 मतलब आप इसको देखिए, बहुत सारे लोग समझ नहीं पाएंगे, इसमें हमें 1000 का भाग होगा, तो 1000 का भाग होने का मतलब है इसको अब 10^3 लिखेंगे, और जब ये ऊपर हो जाएगा 10^-3 हो जाएगा, सेम यही प्रक्रिया है। ये हमारा मिमी का मतलब हो गया कि हम जब एम से मीटर से मिलीमीटर तक पहुंच रहे हैं, तो 10^3 का हमारा डिफरेंस होगा, तो उसको हम उस तरीके से चीजें समझेंगे। इसको हम ना लिख करके यहाँ पर हम इसको हम रख कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं, आप समझ गए होंगे, इतना तो समझदार हैं ही, क्योंकि यहाँ तक पहुंचे हैं तो आप इतना समझदार हैं। तो ये भी हमने लिख दिया। अब इसके बाद यहाँ पर इंग्लिश में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब निकालना है द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है, द्विध्रुव आघूर्ण, तो हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लिखते हैं यहाँ पर, विद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपका निकालना है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर रो बराबर
इंटू टू एल, ठीक ये हो गया 2L। हमारा Q का मान तो हमारा है 1.0 गुणा 10 की पावर -6 और गुणा में 2 है, 2 को 2 रहने दीजिए और गुणा में L का मान जो है यहाँ पर है ये भी 2 है, 0 चाहे लिखो चाहे 2 ऐसे रहने तो क्या दिक्कत, 10 की घात -3। ये अब इनका हमें सभी का गुणा करना है, तो एक बार दिमाग में आप डालिए कि इनका अगर हम गुणा कर देंगे, एक का पहाड़ा कोई मतलब नहीं है, दो दूना चार, दो दूना चार मतलब ये हमारा चार हो जा रहा है और 10 घात 6 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर, दोनों माइनस में है तो मतलब दोनों हमारा जुड़ जाएगा तो 10 की घात -9 हो जाएगा, 10 घात -9। एक बात ध्यान देना, ये किस में था, ये एम में था, ये किस में था एम में, और ये किस में है कूलाम में, यहाँ पर लिखेंगे कूलाम डैश मी, मतलब मीटर में था, कूलाम मीटर में। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा पहले का, इस तरीके से लगाना, मतलब जो चीजें में देखना है किसका सूत्र द्विध्रुव का गुण का है आपका यहाँ पर रो बराबर क्यू इंटू टू एल है जो पी की तरह होता है। अब इसके बाद हमारा क्या करना है, हमें निकालना है दूसरी सवाल, कौन सी सवाल, दूसरी सवाल है, तो दूसरी सवाल हमारा क्या आंसर कैसे सारी चीजें निकाला जाएगा उसको देते हैं, पढ़ते हैं सारी चीजें। उस वैद्युत मतलब उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना, इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना ऊपर ही दिया गया है, फिर बोला जा रहा इतना मिलीग्राम, इतना मिलीग्राम, ये इतना मिलीग्राम आपका क्या है द्रव्यमान की एक तेल की बूंद है जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश हैं और संतुलित कर सके उसको, तो उसके क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, उसके क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो हमें क्या करना है, पहले इसका जो द्रव्यमान दिया जा रहा है तेल की बूंद का द्रव्यमान उसको हम लिख लेते हैं, तो तेल की बूंद का द्रव्यमान, तेल की बूंद का द्रव्यमान, बूंद का द्रव्यमान, देखिए जो चीजें दी गई हैं उसे तो हमें लिखना है, पेपर में हमें वो ऐसे ही लिखना है जो चीजें दी गई हैं जिसे, तो द्रव्यमान कितना है आपका 0. द्रव्यमान को हम m बोलते हैं 0.001 यही तो है, ये है ना 0. तो इसको हम कैसे हम बदल के लिखेंगे दिमाग में, ये किस में है मिलीग्राम में है, ध्यान दीजिए ये mg में है, मिलीग्राम में है, और इसको जब हम बदलेंगे किस में बदलेंगे, इसको हमें बदलना है किस में बदलना है, इसको हमें किलोग्राम में बदलना है। तो किलोग्राम में बदलने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, हमें इसमें हमें मिलीग्राम से किलोग्राम में बदलने के लिए कहां तक पहुंचना पड़ेगा, तो ये 10 की घात हमारा 9 किलोग्राम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 किलोग्राम, और ये हमारा किस में था, ये हमारा मिलीग्राम में था, ठीक है इस चीज को हम ध्यान में रखेंगे। अब इसमें क्या है इलेक्ट्रॉनिक आवेश है, 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है, तो इलेक्ट्रॉनिक पर इलेक्ट्रॉनिक आवेश, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक आवेश, इलेक्ट्रॉनिक आवेश उसको हम पूरा नहीं लिख रहे हैं कि किस पर आवेश लग रहा है, बूंद पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, तेल की बूंद पर 3 मतलब इलेक्ट्रॉनिक आवेश, 3 क्या आप इलेक्ट्रॉनिक आवेश लिख दीजिएगा वही आपका हो जाएगा, ठीक है। तो सॉरी थोड़ा सा कॉल के है, तो यहाँ पर हमारा आवेश जो है इलेक्ट्रॉनिक आवेश बूंद पर हमारा 3 है, कितना है 3 है, तो हम यहाँ पर Q लिखेंगे और बराबर कितने लिखेंगे 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है, तो हम क्या करेंगे इसको हम लिखना चाहें तो 3 का 3 लिखेंगे, ठीक 3 का 3 लिखेंगे गुणा E का इलेक्ट्रॉन का मान जो होता है उसको याद रख कर लेना 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम होता है, 19 कूलाम होता है। अब इसका अगर आप गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 × 48 मतलब 4.8 गुणा 10 की घात -19। जो बच्चे इसको गुणा करने में प्रॉब्लम होती है उसको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखिए 16 × 48 से अगर 10 होते हैं 10 लगा देंगे, बाकी सारी चीजें वैसे लिख दी गई है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें आप कूलाम लिख दीजिए बस, ठीक। अब हमारा और क्या बच रहा है कि हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसको हम बोलते हैं ई, क्या बोलते हैं ई बराबर होता है एफ अपान क्यू, ये होता है। तो इसमें हम फार्मूला सेट करेंगे तो
हमारा एफ का मान होता है, मतलब बल बराबर होता है एम जी अपान क्यू, इस पर रखेंगे, क्योंकि एफ का मान जो होता है अगर हम देखा जाए, एफ बराबर होता है एम जी, एफ बराबर होता है एम जी, चूंकि ये मान होता है इसलिए हम यहाँ पर रख ले इसलिए। अब इसको हम रखेंगे मान, इस जगह पर एम का मान रखेंगे और जी का मान रखेंगे, तो 10^-9 ये एम का मान है, जी का मान जो है हमारा 9.8 होता है, जो कि गुरुत्वीय त्वरण होता है, इसको हम रखेंगे 4.8 × 10^-19 ये हो गया। इसको कटअप करेंगे तो आप काट लेंगे तो सारी चीजें 19 है, 9 करके बचा 10, और इसको आप 2 से काटेंगे तो ये 24 आएगा, दशमलव दशमलव करेंगे ये आपका कितना आएगा 49 आएगा, तो 24 × 24 आप देखिए ये 24 आएगा। अरे वैसे भी देखिए ये आपका 48 है, 48 दूना कितना होता है, तो आप 48 दूना करेंगे तो लगभग 98 के करीब आएगा, तो खुद दिमाग लगा सकते हैं। तो ये 2 बार जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, तो इस 2 बार जा रहा है, हम 2.01 2 3 मतलब 2 बार तो पक्का जाएगा, और कुछ बचेगा तो 1 2 3 हम कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 हम यहाँ पर 3 4 5 हम लिख देते हैं अंदाज से ही, और जो कि आंसर आ जाएगा ये हमारा 19 है, ये 9 है, 9 घट जाएगा तो बचेगा इसमें 10, और 10 ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा, और बल में है तो न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इस तरीके से आंसर हमारे आ गए हैं। हमारा लास्ट सवाल, तीसरी नंबर वाली सवाल बचती है, जो कि आपको अगर पढ़ेंगे एक बार तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि आखिर ये लिखा क्या हुआ है। ठीक है, जैसे कि देखिए इसमें जो है अनंत लंबाई की एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व इतना है, इतना कूलाम मीटर है, यहाँ पर कूलाम मीटर है, और तार से 2 मीटर की दूर पर, 2 सेंटीमीटर की दूर पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसमें भी तीव्रता निकालना है, बस यहाँ पर दूरी दी गई, वहां पर आपका घनत्व दिया गया, आवेश घनत्व सारी चीजें दी गई हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हम लिखते हैं और सवाल लगाते हैं आपके सामने, तीसरी नंबर सवाल। ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लेना, लास्ट में हम दिला देंगे, पर यदि पीडीएफ चाहते हैं तो उसको भी कमेंट कर देना, उसको भी दे देंगे, बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आप सारी चीजें देंगे। एक बात और हम रिक्वेस्ट करते हैं, मेरे सेकंड चैनल के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं तो सर्च करिए मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल, ऊपर सर्च करके तुरंत उसको चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब करके चले आइए, वहां पर मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वीडियो डालते हैं और बेसिक वीडियो डालते हैं जो सभी के लिए जरूरी होता है, जो चीज भी आपको मोबाइल में आप सीखने होंगे वो सारी चीजें सिखाते हैं, उस पर जरूर देखिएगा। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे जो चीजें दी गई हैं, तो हमारा दिया क्या गया है आर, क्या क्या चीजें दी गई, एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित 2 सेंटीमीटर दूर पर, मतलब दूरी जो आर हमारा है ये दिया गया है, आर बराबर हमारा कितना है 2 सेमी, कितना दिया गया है 2 सेमी, और इसको अगर हम बदले मी में तो 0.0 मी इतना मीटर में हो जाएगा, क्योंकि पता है आपका 100 से भाग होगा, ये हो गया। उसके बाद और सवाल में क्या है अगर देखते हैं तो हमारा उसके बाद है आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व जिसको हम लेमडा बोलते हैं, लेमडा रैखिक आवेश घनत्व हमारा कितना है आपका जी 10.0, मतलब 10.0 है, तो गुणा 10^ कितना है -8 ये है। इस अब इसको जो है ये कूलाम प्रति, ये कूलाम प्रति मीटर में है, ये हो गया, ये चीजें दी गई थी। अब जो है अगर हम निकाले विद्युत क्षेत्र तीव्रता के हिसाब से, सूत्र के हिसाब से, तो हमारा सूत्र क्या होता है, एक सूत्र होता है लेमडा पान, ध्यान दीजिएगा लेमडा पान 2 पाई स्पाइनल नॉट आर इंटू, अगर सॉरी इंटू, इसको अगर हम हल करें, यही चीज अगर हम हल करें, इसमें गुड़ा उड़ा करने पर हमारा सूत्र इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है 1/4 पाई स्पाइनल नॉट गुड़ा 2 लेमडा/r। ठीक है, ये हो जाता है, ओके, तो इस तरीके से ये हो जाता है। अब हमारा इस सूत्र पर रखेंगे सवाल को, तो हमारा सवाल क्या हो जाएगा, देखिए इसका वैल्यू जो होता है, इसका वैल्यू होता है कितना 9 × 10^9, ये इतने का वैल्यू है, ये इतने का वैल्यू है, ध्यान दीजिएगा, और गुड़ा में आपका ये 2 है, तो 2 को हम 2 ही लिखेंगे, गुड़े लेमडा का मान हमारा यहाँ पर है 10^ इतना 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 ये है, तो इसको हम लिखेंगे 10^-8 ये है, बटा में देखते हैं तो आर है, आर का मान अगर हम देखेंगे तो 0.02 है ये। अब इसको आपको काटना होगा, आराम से आप इसको पहले काट लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसमें अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा नहीं है, 2 ही है, इसको हम कैसे काट सकते हैं, देखिए इसका दशमलव हटाना है, इसका क्या करना है दशमलव हटाना, तो हमें क्या काम करना है, हम करेंगे एक काम, ऊपर ऐसे लिख देंगे, अब इसको हम गुणा भी कर लेते हैं ऐसे, 9 × 2 = 18 कितना हो गया 18, दिमाग बैठाइएगा। और एक बात, ये 10 है प्लस में 1 घात है, 10 ये भी है, 10 9 बार यहाँ पर है, तो
नौ बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, नौ एक 10 बार हो गया। ध्यान दीजिएगा ये 10 बार हो गया है। अब इसको हम 9 × 18 कर देते हैं, 9 × 18 गुणा ये 10 की घात 10 हम कर देते हैं, गुणा ये 10 की घात यहाँ पर 8 कर देते हैं। और एक बात, ये जो 2 बचा है इसको हमने गुणा कर लिया है, यहाँ पर हम इसको दशमलव भी हटा दे रहे हैं, इसको गुणा मत करो, 9 × 2 यहाँ पर कर देते हैं। अभी काटना है ना, अब इसका दशमलव हटाएंगे तो 2 अंक पे दशमलव है तो ऊपर हमारा कितना 0 बढ़ जाएगा, 10 की घात 2 दशमलव। क्यों 10 की घात, मतलब 100 का हमें गुणा करना पड़ेगा ऊपर, तो 100 को हम 10 घात 2 बोल सकते हैं। इस तरीके से ये 2, अब 2 से 2 ये कट गया, बचा यहाँ 10 घात 2, ये हो गया, और 10 घात ये हमारा 10 था, तो 8 10 2 12, 12 में से 8 जाएगा तो 4 आएगा, 9 ये बचा हुआ है। मतलब अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो 9 दशमलव गुणा 10 की घात कितना बचेगा, 4 बचेगा। अगर इसको हम देखें तो न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमने पूरे सवाल का, तीनों सवाल का आंसर हमने ला दिया है। और आप भी ट्राई करिएगा कैसे कैसे क्या फार्मूले निकले हुए हैं, इनसे इस फार्मूले से ये फार्मूला निकला और उस पर हमने रख दिया, रिप्लेस कर दिया, पूरे सवाल आपके सामने है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। बाकी एक बार हम आपसे रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि जैसा वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो हमें जरूर आप बताइएगा, हम उस टॉपिक पर वीडियोज को लेकर के आए, ओके। चलिए मिलेंगे आपके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस ला रहे हैं इस समय, अगर आप देखेंगे तो हर दिन आपको एक अच्छी अच्छी वीडियो मिलेगी। साथ ही साथ हमारे चैनल पर क्विज मिलते हैं, वो क्विज जो कि बहुत ही इफेक्टिव वीडियो, सॉरी इफेक्टिव क्विज होते हैं जो कि पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ओके। तो प्लीज सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, गुड लक।